हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। जबर देश वाला और मुकेश खन्ना ने बड़ी तार्किक बात करी इस डिबेट के अंदर कि मंदिर मस्जिद जाने से देश का विकास नहीं हो सकता, देश का विकास विकास के तरीके से ही होगा। योर पॉइंट 30 सेकंड जबर सरेश वाला। देखिए, मुझे ताज्जुब होता है बीजेपी पर और बीजेपी के लोगों पर कि मोदी साहब की 4 साल की जो हुकूमत हुई है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि ये कहूँगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत कुछ हुआ है, कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं। मसलन सड़कें, हो सकता है आप बहस करें कि भाई 60,000 किलोमीटर नहीं हुई लेकिन 30 हुई है। अगर इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख देहातों में नहीं गई है तो 60,000 में गई है। ऑफिस लाने की क्या आवश्यकता हुआ है और सामान लाने की और लोगों के घरों में, सुनिए जी, सुनिए जी गैस के सिलेंडर लोगों के घरों पे पहुंचे हैं, गैस की सब्सिडी लोगों तक पहुंची है, बहुत सारे काम हुए। दुनिया में उन्होंने हिंदुस्तान का मकाम ऊंचा किया है। उसकी बात करने के बजाय ये लोग कभी गिर जाते हैं खाई में जिन्ना की, कभी खाई में ले आते हैं अकबर को, कभी औरंगजेब को, कभी उसामा बिन लादिन को। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जिसके पास इतना बेहतरीन पॉजिटिव नैरेटिव अगर हो तो ये गलियारों में क्यों जाते हैं। अच्छा, और मैं अमित जी एक बात कहता हूं कि इससे मुसलमान को छोड़ दीजिए, इस किस्म की भाषा इस्तेमाल जो करते हैं इनके गिरिराज जैसे लोग, ये हिंदुओं को भी दूर करते हैं। 4 वर्षों में जो अचीवमेंट है वो अपने आप में बहुत अद्वितीय है, वो बहुत स्टेलर परफॉर्मेंस है, इसमें कोई दो मत नहीं। इसीलिए तो संपर्क की जो नीति है, अभी अमित शाह जी लाहौटी साहब के पास जा रहे हैं जो पूर्व चीफ जस्टिस थे, सुबह आप बाबा रामदेव के पास देखा किस प्रकार रिपोर्ट कार्ड लेके पास गए, रिपोर्ट कार्ड लेके घर घर जा रहे हैं। फिर गिरिराज सिंह ओसामा क्यों लेके आते हैं, हाफिज सईद के बहाने आप विपक्ष पर हमला क्यों बोलते हैं? तो क्यों नहीं करें, विपक्ष पर कौन हमला कर रहा है, कौन आपने कंपैरिजन की बात बोली, कौन कंपैरिजन किया बताइए पहले, किसने हाफिज सईद के साथ विपक्ष के ट्वीट में, हाफिज सईद का जो आप स्पीच ट्वीट कर रहे थे उसमें क्यों नहीं करेंगे, विपक्ष को लिखने की क्या, क्यों नहीं करेंगे कांग्रेस क्यों नहीं, कभी की भी से मुझे कब की है वो, आप कैसे जानते हैं कब की है, कब की है, आपसे पूछ रहा हूँ ना, कब की है, आपने ट्वीट किया ना, आप बताइए ना, आप हाफिज सईद ने कब बोला, आपको कैसे पता है, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो ट्वीट कर रहे हैं सर, आप बताइए ना कब की है, या इसी चुनाव में लाना जरूरी है, बिहार में आप गुजरात में लेकर के आए, अरे मौलाना साहब हाफिज सईद आपको अपना प्रवक्ता बना लेगा, क्या वो बताइए, हाफिज सईद का नाम लेते हैं तो ये इतना नाराज क्यों हो रहे हैं भाई, हम तो जूते की नोक पे रखते हैं उसको सर, लग तो नहीं कर रहे हैं, मैं तो हाफिज आपको क्या करें, मैं तो हाफिज सईद नाराज क्यों हो रहे हैं, हाफिज सईद नाराज क्यों हो रहे हैं, मौलाना साहब झूठ, आप मौलाना साहब हाफिज सईद से कोई लेना देना नहीं, लेना देना सही से रिश्तेदारी है, कौन बोल रहा है, से रिश्तेदारी है तो मोदी जी की जो बगैर बुलाए चले जाते हैं, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा हाफिज सईद को गाली देके आपने भारत में पोलराइजेशन का काम किया है, ये भी भारत के मुसलमानों को इसमें लेके आ रहे हैं, हम नहीं कहां पे भारत के मुसलमानों का, हम हाफिज सईद के खिलाफ बोल भी नहीं सकते हैं, हाफिज सईद के खिलाफ बोलेंगे तो भारत में पोलराइजेशन कैसे होता है, आप इसका जवाब मुझे अभी दीजिए, कहां कैसे होता है भारत में पोलराइजेशन, मैं हाफिज से के खिलाफ बोलूंगा तो ये गर्जना शुरू कर देंगे कि क्यों खिलाफ बोल रहे हो, तो जूते मारो उसको भाई, आप चिल्ला रहे, मैं तो आपके खिलाफ नहीं बोल रहा था, हाफिज से के खिलाफ बोल रहा था तो आप क्यों चिल्ला रहे थे, हमने कब बोला, मैं हाफिज से के खिलाफ बोलूंगा तो कांग्रेस बोलती है पोलराइजेशन कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर आप मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए, ये पोलराइजेशन भारत में कैसे है, हाफिज से के खिलाफ बोलने से भारत में हाफिज सईद की बात करना पोलराइजेशन कैसे है, और क्या बीजेपी पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है।